नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन शिवम शर्मा के साथ। पूरा विश्व, पूरा देश 14 फरवरी को एक लाल गुलाब के साथ प्यार का दिन मनाता रहा, वैलेंटाइन डे मनाता रहा। हमारे जवानों ने भी ये दिन मनाया देश प्रेम के लिए। उनका भी एक प्यार का जज्बा था, लेकिन वो प्यार का जज्बा था देश के लिए। उन्होंने भी वैलेंटाइन डे मनाया, लेकिन लाल रंग के फूल की जगह लाल लहू था उनका खुद का। पुलवामा में करीब हमारे 44 CRPF के जवान शहीद हो गए, जिससे पूरे के पूरे देश में एक आक्रोश है, एक रोष भरी क्रांति फैल रखी है पूरे के पूरे देश में। चाहते हैं कि इस हमले का, इस क्रूरता का बदला लिया जाए, उसी तरह से उन आतंकवादियों को भी मार गिराया जाए जिस तरह से उन्होंने हमारे जवानों के पीठ के पीछे खुरा झोंप कर उन्होंने अपनी शहीदी को प्राप्त किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देश की जनता के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि उनमें कितना गुस्सा और वो चाहते क्या हैं कि किस तरह से इस हत्या का बदला लिया जाए। जी, आपका नाम बताएं। मैं प्रमोद कुमार। जी, आप? शशि ठाकुर। अच्छा, आप बताएं, ये जो हमला जो हुआ यहाँ पर, जो आतंकवादियों ने हमारे 44 जवान जो मार गिराए, आपका गुस्सा किस तरह से, आप चाहते क्या हैं कि सरकार क्या एक्शन ले और किस तरह से इसका बदला लिया जाए? ये कोई आज की नई बात नहीं है कि आज ही ये हमला हुआ पहली बार भारत में। हर साल में पता नहीं कितनी बार ये देखने को मिल जाता है कि हमारे जो संत सिपाही हैं, जो दिन रात एक किए हुए हैं देश की सुरक्षा के लिए, और उनका कभी कभी ऐसा मैसेज आता है कि वो शहादत को प्राप्त हो गए, कहीं देश के प्रति जो है ना उनका प्रेम एक इग्नोर थोड़े दिन में ही किया जाता है, कोई ज़्यादा लंबे टाइम की बात नहीं होती कि भूलना ज़्यादा। आज गुस्सा देश को है, पूरे मंत्री भी गुस्सा दिखा रहे हैं, नेता भी गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन ये उबाल कब तक? क्या ये वाकई में गुस्से का कुछ रिजल्ट आना है? क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, आज ये नई बात नहीं है। और आज इस देश में जो एक साथ इतनी बड़ी मानवता का हनन हुआ है, एक नरसंहार हुआ है, और खाली नरसंहार ही नहीं कहा जाएगा, ये देश के वो संत सिपाही हैं जो दिन रात, कोई ये केवल पैसे के लिए वहाँ ड्यूटी नहीं करते, इनके अंदर एक प्रेम का जज्बा, एक देशभक्ति का जज्बा होता है। वो अपनी मातृभूमि के लिए 2400 घंटे एक अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्ते को ताक पर रखते हुए वो सेवा करते हैं, लेकिन उनके जज्बे को कोई नेता, कोई जो है जिस प्रकार से जो गद्दीदार है, वो समझ नहीं पाते। बस वो थोड़े से दिन के लिए वोट की राजनीति करते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। लेकिन अब ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि टहनी काटने से कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं आतंकवादियों को मार गिराओ, आतंकवादियों को मार गिराने से ही बात नहीं बनने वाली। जो इसके आका बैठे हैं, टुच्चा सा एक छोटा सा देश जिसको कई बार हम धूल चटा चुके हैं, और वो कभी कभी आता है और हमारी नाक के नीचे ही ऐसे कर्म कर जाता है जिससे हमें फिर अपने इतने बड़े नुकसान का एक जोखिम उठाना पड़ता है, जो मानवता के लिए कभी भरपाई हो ही नहीं सकती। बेशकली कहीं पैसे की तबाही हो वो पूरी हो सकती है, लेकिन इंसान की जो जान चली जाए उसकी भरपाई हम किसी रूप से नहीं कर सकते। आज एक बहन का भाई चला गया, एक माता का बेटा चला गया, एक बूढ़े की लाठी का सहारा चला गया। एक सिपाही से केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, पूरे परिवार की मौत होती है, उसके साथ जुड़े हुए लोगों को, जहाँ तक उसके रिश्ते नाते होते हैं, उन सब के अंदर एक आग लग जाती है, एक ख्वाब, सपने उनके चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन ये देश के नेता उस रूप से उसको ले नहीं पाते। आज फिर से मैं ये विनती करूंगा मोदी जी सरकार से और पूरी पार्टियों से, कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल मोदी जी ही, पूरी सारे के सारे नेताओं से, सारे के सारे पार्टियों से और पूरे भारतवर्ष से, कि आज जो 5 साल में मोदी जी ने कहा कि हम देश को इतना मजबूत बना रहे हैं और हमारे जो संबंध हैं वो इतने प्रगाढ़ हो चले हैं सभी जगह से, विदेशों से, तो आज वो दिखाएं वो संबंध, आज वो जनाएं कि कैसे वो संबंध प्रगाढ़ हो चुके हैं, उस टुच्चे से देश को अलग थलग कर दिया जाए और उसकी जड़ से ही विनाश हो, तब जाकर ये आतंकवाद खत्म होगा। देखिए किस तरह का गुस्सा है हमारे यहाँ कर देश के युवा में, देश के नागरिकों में किस तरह का गुस्सा है। आइए अभी और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस हमले के बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं कि इस बदले के लिए सरकार, यहाँ के सेना और यहाँ के लोग क्या करें। जी, आपका नाम? शशि ठाकुर। जी, आप क्या सोचते हैं इस हमले के बारे में और ये बदला किस तरह से लेना चाहिए सरकार और हमारी सेना को? सर, ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है जिसमें कि हमारे 44 जवान शहीद हुए। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इस बार उससे बहुत ज़्यादा
दुगनी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जिससे कि उनका भी उतना ही नुकसान हो। ज़्यादातर जो कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में आम जो वहाँ के आम नागरिक है, वही वहाँ पे उनका साथ दे रहे हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सबसे पहले जो वहाँ के लोग हैं उन्हें ही सबसे पहले समझाया जाए, ताकि क्योंकि बाकी बाहर से, जैसा कि हमें सभी को पता है कि बाहर से तो हमारी सेना किसी भी आतंकवादी को अंदर घुसने नहीं दे रही है। जो भी हो रहा है वो अंदर के लोग ही आ रहे हैं। जैसे कि जब अभी भी जो पकड़ा गया, जो जिसने वो ब्लास्ट करवाया, वो भी JNK का ही लड़का है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो अंदर का आतंकवाद है उसको ख़त्म कर दिया जाए। जो कि जम्मू में जो स्टोन पेल्टिंग होती है, उन हम चाहेंगे कि उन सरकार जब भी, अगर पिछली बार जब पैलेट गन चली उन पर, तो तब वहाँ पर वहाँ के लोग विरोध करते हैं, वहाँ की सरकारों ने मना कर दिया। इस बार भी देखा गया कि वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, उनके पक्ष में, जो वहाँ के जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वहाँ के नेता। अभी भी सरकार से अनुरोध है कि अब बहुत हो चुका है, अब हंसी मजाक बहुत हो चुका है। हम चाहेंगे कि सेना को खुली छूट दी जाए, जो भी स्टोन पेल्टिंग करता उन पे पैलेट गन ना चला के। आपको मैं बताना चाहूँगा, इस बार अभी मोदी सरकार ने यहाँ पर खुली छूट दे के रखी। अभी कल ही अनाउंस किया गया है कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिस इलाके में ये घटना हुई है, वहाँ पर मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है कि जिसे भी वो चाहें वो अपने तरीके से एक्शन लेंगे और अपने तरीके से इसका बदला भी ले पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सेना के लिए खुली छूट दे दी गई है, लेकिन ये खुली छूट सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती है। जैसा कि जो स्टोन पेल्टिंग करते हैं उनके ऊपर सेना के लिए पाबंदी होती है कि उन पर, हम चाहेंगे कि उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई जाए। तक कई बार होता है कि देखा जाता है कि आमतौर पर पत्थर से हमारे जवान ज़्यादा आहत हो जाते हैं, अब इधर उधर से तो पत्थर फेंक रहे होते हैं, इधर से कुछ नहीं कर पाते। हम चाहेंगे कि उन पर भी गोलियां बरसाई जाए, क्योंकि जो भी आदमी ईंट का बदला पत्थर से देने, जो भी आदमी सेना के विरुद्ध होता है, हम चाहेंगे उस पर गोलियां चलाई जाएं। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर हमारे सेना के हमारे जवानों ने अपनी देशभक्ति दिखाई है, आप उन जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप उन जवानों को क्या अपना एक मैसेज या वो देना चाहेंगे? ये तो बहुत दुखद घटना है, उनके घर वालों के लिए भी, परिवार वाले सब, पूरे देश के लिए दुखद घटना है। पूरा देश मातम मना रहा है, और जैसा कि जब न्यूज़ लाइव चली थी तो हम भी देख रहे थे, तो बहुत दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। जो हम अपनी ओर से उनके लिए कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम करें। हम मोदी जी से चाहेंगे कि हर बार हमारे JNK में हमारे जवान शहीद होते हैं, बाकी और जगह से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम चाहते हैं कि वहाँ से कोई एक भी जवान शहीद ना हो। सेना को खुली छूट दी जाए, जो भी सेना के खिलाफ वहाँ लोग कुछ करते हैं उन पर गोलियां बरसाई जाए, क्योंकि बहुत हो चुका है। हमारी सेना में वो कैलिबर है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएँ। हमारे पास हथियार भी इतने, हमारे नौजवान जो हमारे जवान हैं वो भी खून से अभी खौल उठे हैं उनके। हमारे पास हथियार तो बहुत है, पर उनको चलाने की इजाज़त भी मिलनी चाहिए ना। जैसे कि मोदी जी, बहुत हथियार तो हमारे पास बहुत आ चुके हैं, अगर हम चलाएंगे नहीं तो फिर उसका क्या फ़ायदा? हमारी सेना को जैसे इधर से तो ऐसे ही होते हैं, जैसे उनके पर उधर से पत्थर फेंकते, इधर से बेचारे जैसे हार लेके उनके लिए चले होते हैं। हम चाहेंगे उधर से पत्थर तो इधर से गोली चले। बिल्कुल, मतलब रवैया मोदी सरकार को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, यानी सेना पर अगर एक हमला हो रहा है तो भारत की तरफ से भी उस हमले का जवाबी कार्रवाई देनी होगी। एक हमले के बदले 10 हमले हमें चाहिए इस वक्त देश के लोगों को। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनमें इस हत्याकांड को लेकर किस तरह का रोष है और वो चाहते क्या हैं कि मोदी सरकार किस तरह से भारत देश, भारत का हर एक नौजवान किस तरह से इस हमले का बदला ले। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुदर्शन पटियाला है। जी जी, आपका नाम? विश्वा कुमार है। राजकुमार चक्रवर्ती शर्मा। अच्छा, आप सभी से मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी को देखा गया कि आतंकवादियों ने पीठ में छुरा घोंपा है, उन्होंने छिपके वो वार किया है और हमारे उसमें 44 जवान शहीद हो गए हैं CRPF के, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि किस तरह का आक्रोश आपके दिल और दिमाग में है और आप चाहते क्या हैं कि किस तरह से इसका बदला लिया जाए। सबसे पहले मैं इस घटना के ऊपर, जिनके 42 परिवार जो शहीद हुए हैं, उनके जो नौजवान शहीद हुए हैं, उन सभी परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। ऐसी दुख बड़ी, संकट बड़ी घड़ी में मैं और मेरे देश के नागरिक, हम उनके साथ खड़े हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई है और उन हम चाहते हैं कि उनको और बल मिले और शक्ति मिले। भगवान करे उनकी जो शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिवारों को हम हौसला देना चाहते हैं कि वो धैर्य रखें। और साथ में जनता के अंदर इतना आक्रोश है, सबसे पहले तो मैं एक इज़राइल कंट्री का उदाहरण देना चाहता हूँ, और मोदी जी को
ये कहना चाहता हूँ और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे एक पूरे विश्व में इजराइल देश ऐसा है, उसके अगल बगल में जो कंट्रियाँ हैं वो पूरे मिलिटेंट देश से, तो इजराइल कंट्री ने किस ढंग से उनको उन लोगों के साथ निपटा। मैं मोदी जी से अपील करना चाहूँगा आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि इस वक्त इतना आक्रोश है, पहले उड़ी में घटना हुई तो हमारे 17-18 जवान मारे गए, 19 जवान हमारे मारे गए, उसके बावजूद भी एक सर्जिकल स्ट्राइक मीडिया के माध्यम से दिखाई गई है, वो कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो मोदी जी से अपील करूँगा कि जैसे इसराइल कंट्री वाली गवर्नमेंट करती है, उनके नेतागण आदेश करते हैं, वैसे ही आदेश करने होने चाहिए कि हमारे शरद के अंदर कोई भी आतंकवादी इंटर कर जाता है तो सीधा अटैक होना चाहिए। जी, मतलब आप चाहते हैं कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है, सीधा जवाब देना चाहिए। जी अभी नहीं सर बस अभी सिर्फ एक ही बात है कि चुप रहने की सीमा ख़त्म हो चुकी है। कई वर्षों से ये लोग बार बार आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेजते आए हैं और हमारे सैनिक शहीद होते गए, तो कब तक हम ये सहन करें? अब ये शहीदी सहना नहीं चाहते हैं भारत के लोग, अब चाहते हैं कि उस शहीदी का बदला भी लिया जाए। एक सर के बदले 10 सर नहीं बल्कि 400 सर लेकर आए यहाँ पर हमारे नौजवान, ऐसी यहाँ पर लोगों की इच्छा है। जी आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान मुर्दाबाद जी, और आतंकवाद भी मुर्दाबाद सर। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पाकिस्तान के लोगों ने इतना जो ये जो घिनौना हरकत की है, इसका हम बदला चाहते हैं। हाँ, आप बदले में क्या चाहते हैं, किस तरह से? बदले में हम उनका नाम निशान मिटा देना चाहते हैं। जी जी, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का बिल्कुल काम को तमाम कर देना चाहते हैं। जी 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 जी, जी हाँ, मतलब पाकिस्तान को इस का जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, और यही भी है पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमारे आतंकवाद को बढ़ावा देता है। देश का युवा चाहता है कि इस हमारे जो हमारे जवानों के साथ जिस तरह से आतंकवादियों ने धोखा किया है, उसका बदला पाकिस्तान के साथ इस तरह से लिया जाए कि उनका नामोनिशान देश के नक्शे में कहीं नज़र ना आए। चाहते हैं कि एक तरह से भारत को अपनी पूरी शक्ति के साथ इसका जवाब देना चाहिए। आप इस संदर्भ में और क्या कहना चाहते हैं? जी हम तो मोदी जी से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जो हमारे फौजी हैं, इनको सीधा अटैक ही करना चाहिए उनके ऊपर। जो भी कोई मिलता है वहाँ का पाकिस्तान का दिखाई देता है, बस सीधा मतलब ऐसे ऑर्डर करना पड़ता है इनको कि जी गोली चलाने में परमिशन लेनी पड़ती है। मैं तो चाहता हूँ इनको खुले छोड़ देना चाहिए कि बिल्कुल सीधा अटैक करो आप, किसी से कोई परमिशन लेने की। इस बार अभी कल मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है कि ये जो हमारी सेना है जम्मू कश्मीर में, उन्हें उन्होंने खुला छोड़ दिया कि वो जिस तरह से चाहें इस आक्रमण का बदला ले सकते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वैसे ही होना चाहिए। जी जी जी, आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट तो ऐसा है कि फिर हमारे यहाँ आतंकवाद खत्म हो जाएगा ना। जैसे कोई दिखाई देगा बस सीधा सूट ऑर्डर होना चाहिए इनको कि आप सूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, उसी समय वो कार्रवाई हो जानी चाहिए। सामने कोई आतंकवादी दिखा, कोई खतरा दिखा, उसी समय उस खतरे को मिटा दिया जाए, ऐसा हमारे देश के नौजवान, देश के नागरिकों की इच्छा है। आइए भी जानते हैं कुछ और देश के नागरिकों से कि वो इस घटना के संदर्भ में क्या सोचते हैं और वो क्या विचार हमारे साथ हमारे समक्ष मोदी सरकार के समक्ष रखते हैं। जी यहाँ के फौजियों को और फौजियों की औरतें रो रही हैं और माओ रो रही हैं, और उनके जहाँ जब भ्रष्टाचार हो रहा है उनको भी खत्म करो ना, क्यों जिंदे रखने हैं वो? जी जी, अब वो क्यों रखने हैं, उनको भी ये करो ना। यहाँ हिमाचल के लोगों को मार मार के सट रहे हैं और वहाँ के लोगों को पाल रहे हैं, तो उनका भी बेड़ा गर्क करो ना। जी जी, और यहाँ की औरतें रो रही हैं, माओ रो रही हैं, सारे माँ बाप रो रहे हैं, तो उनका भी बेड़ा गर्क करो ना। यहाँ हिमाचल का प्रदेश का बेड़ा गर्क किया तो उसका भी करो ना वहाँ का। जी जी जी, मतलब बदला कुछ इस तरह से चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, इस तरह का खतरनाक बदला देश की जनता चाहती है। कोई नामोनिशान नहीं चाहती है कि उस आतंकवाद का, उस देश का कोई नामोनिशान बचे भारत के इस नक्शे पे विश्व के। जी आप इस संदर्भ में, और बच्चे भी रो रहे हैं और लड़कियां रो रही हैं, औरतें रो रही हैं, हिमाचल का उन्होंने खाना खराब कर दिया था, वहाँ का भी होना चाहिए ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? हम यूपी से हैं सर, ठीक है, वो हमारे जो जवान मरे हैं यूपी से 12 लोग मरे हैं, ठीक है, 14 जवान, हाँ 14 जवान मरे हैं ये, हैं जी, हम उनके लिए पाकिस्तानों के लिए जी बहुत हंगामा कर देगा जी, ठीक है जी, हाँ जी, योगी सरकार है हमारी तरफ से, ठीक है जी, 25 लाख रुपये दिए है
है जवानों को हमारी, ठीक है, उनको सबक सिखाए, जरूर सिखाए सर जी जी। चाहते हैं किस तरह से सबक सिखाए? हाँ जी भाई, सबक सिखाए जो और हमारे जवान मरे हैं सर, उनको सबक सिखाए जी 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 जी। आप क्या कहते हैं? आर पार किया जाए पाकिस्तान सब, तो आपकी बार आर पार किया जाए, जवानों का बदला लेना चाहिए, बस नहीं जरा नहीं बचा चाहिए। आतंकवादी जहाँ पे लुका है हिंदुस्तान में, उसको ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए। आतंकवादी है ये कश्मीर में लुक रहे आतंकवादी, पाकिस्तान से आते हैं और कश्मीर में आते हैं ये, कश्मीर को भी इस्तीफा करना चाहिए, ये पाकिस्तान को और कश्मीर को भी हटाना चाहिए। कश्मीर तो रहेगा, कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। जब कश्मीर, कश्मीर से आतंकवाद को मिटाना चाहिए। हाँ कश्मीर से आतंकवादी मिटाना चाहिए, वो वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ से जवानों को मिटाते हैं जी। आप क्या कहना? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई कश्मीर के अंदर जितने भी आदमी हैं, एक बार पूरे देश को 10 मिनट के लिए छूट दे दी जाए, मतलब हमारे देश को, भारत को छूट दे देनी चाहिए मोदी सरकार को, ना पाकिस्तान को कहीं लो 5 मिनट के अंदर कहीं नहीं पहनेगा जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, देश की जनता भी चाहती है कि उन्हें छूट दी जाए ताकि वो इस आत्मघाती हमले का बदला ले पाए। अभी और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनमें ये रोष किस तरह से भरा पड़ा है जी। आप जब हिमाचल के लोगों की कोई पहचान ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ हिमाचल के बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, माँ बाप रो रहे हैं, और उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर? वहाँ पर तो ऐसा काम मानना चाहिए, तो ऐसी सरकार को तो हमारा पूरा करना चाहिए ना। ये क्या बात है कि वहाँ पर यहाँ के फौजियों को मार मार के सट रहे हैं वहाँ पर? जी 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 जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना चाहिए कि पूरा पाकिस्तानी ख़त्म कर दिया जाए जी जी। बिल्कुल एकदम से, ना आतंक रहेगा और ना भ्रष्टाचार, बिल्कुल आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ के लोग। और लोगों से जानते हैं उनमें रोष किस तरह से भरा पड़ा है जी। पाकिस्तान मुर्दाबाद है जी, हमारे फौजी मर मर के सत रही है जी जी। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, यहाँ की औरतें बच्चे रो रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पाकिस्तान को आतंकवादी मुर्दाबाद है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद जो जम्मू में हुआ बहुत गलत हुआ जी जी। ये कोई राजनीति खेल रहे हैं वहाँ के, कुछ हमारे यहाँ के बंदे मिले हुए हैं जो कि इनको शरण दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो है कुछ राजनीति भी उठाई जाए और इसको दूर भी किया जाए, मतलब राजनीति से हटकर इस मामले के ऊपर कार्रवाई की जाए, पूरी तरह से बदला लिया जाए हमारे जवानों की इस शहादत का, यानी कि एक भी जवान की मौत जायज़ नहीं जानी चाहिए, हर एक मौत का बदला लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को मिटाकर, आतंकवाद को मिटाकर, आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त कदम उठाकर।